वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, बिहार झारखंड में होगी बारिश, जानिए मौसम का हाल। बिहार में आंधी पानी की स्थिति अगले 48 घंटे तक बनी रहेगी। पटना में गुरुवार की सुबह हुई बारिश के कारण आज भी मौसम ठंडा है। उत्तर बिहार और उससे सटे इलाकों में शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है। इस इलाके में ठंड की भी आशंका है। झारखंड में हल्की बारिश के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के एक या दो हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के अलावा अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है। बिहार की खाड़ी में चक्रवात। विशेष राहत आयुक्त ओडिशा पीके जेना ने जानकारी दी है कि मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा सूचित किया गया है कि दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है। इससे लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना बताई गई है। इसके विपरीत होने के बाद इसकी तीव्रता का अनुमान लगाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर ओडिशा के मलकानगिरी से मयूरभंज तक के 18 जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने को कहा गया है। बंगाल की खाड़ी से संभावित चक्रवात के कारण 17 NDRF, 20 ODRF और अग्निशमन सेवा विभाग की 175 टीमें मौजूद रहेंगी। जरूरत पड़ने पर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। IMD के अनुसार शुक्रवार के साथ ही शनिवार और रविवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, जींद, चरखी दादरी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में लंबे समय तक गर्मी से हुई परेशानी के बाद बुधवार से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में लंबे समय तक गर्मी से हुई परेशानी के बाद बुधवार से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राहत का यह दौर आने वाले कुछ दिनों तक चलेगा। गुरुवार को भी प्रदेश के अधिकांश जगह बादल छाए रहे, इसी कारण तापमान में पिछले 2 दिनों से गिरावट दर्ज की गयी। शुक्रवार को भी हरियाणा में अधिकतर जगहों पर बादल छाए रहेंगे और हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। IMD के अनुसार शुक्रवार के साथ ही शनिवार और रविवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या बौछारें होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु राज्यों में बारिश हुई है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है और लू का असर कम है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में किच्छा, रायवाला, कोटद्वार, काशीपुर, मुनस्यारी, आशारोड़ी, कोटी, चक्राता, कालसी, नैनीताल, खटीम आदि स्थानों पर बारिश दर्ज की गयी। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 128 mm बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली जिलों में हुई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पर्वतीय जिलों में मौसम खुशगवार रहेगा। दिन में तेज धूप, लेकिन सुबह शाम मौसम में ठंडक रहेगी, जबकि मैदानी इलाकों में पारा ऊपर की ओर जाने का अनुमान है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।